हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आज मैं फिर एक नए डिज़ाइन में अंगूठे वाली लेडीज सॉक्स बनाने जा रही हूँ जिसको बनाना बहुत आसान है बहुत जल्दी बन जाती है फ्रेंड्स वूल भी बहुत कम लगती है और उसको बनाने का तरीका भी बहुत ही डिफरेंट है फ्रेंड मैंने ये दो कलर लिए हैं कलर्स आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं ये तीन प्लाई की वूल है दस नंबर की सिलाई ली है और ये मैंने उन्नीस फंदे डाले हैं अब हम क्या करेंगे पहला फंदा हम उतार लेंगे एक इसको हम काउंट करेंगे एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ नौ फंदे उल्टे बोल लिए नौ फंदे हम इधर छोड़ेंगे बीच में जो फंदा है वहाँ पे हम तीन फंदे बनाएंगे एक दो तीन इधर से देखिए मैम एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ फंदे हैं तो नौ फंदों को हम उल्टा उल्टा खोल लेंगे तो फ्रेंड्स सीधी साइड हमने कंप्लीट कर ली उल्टी साइड पे आ गए उल्टी साइड पे पहला फंदा उतार लेंगे अब सभी फंदों को, को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टी साइड पे हमने कोई फंदा नहीं पढ़ाना सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे ये देखिए ये तीन फंदे किए थे हमने एक ये तीन फंदे किए थे तीन फंदे तो हमने इनको उल्टा उल्टा बुन लिया अब बाकी के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन के हम सीधी साइड पे आएंगे ये अब हम सीधी साइड पे आ गए सीधी साइड पे पहला फंदा उतार लेंगे पहले हमने नौ फंदे बुने थे अब दस फंदे बुनेंगे क्योंकि हमने एक फंदे से तीन फंदे किए थे एक फंदा हम इस साइड पे ज्यादा बुनेंगे एक फंदा हम इस साइड पे ज्यादा बुनेंगे और जो बीच का फंदा है उस पर फिर हम एक फंदे से तीन फंदे बनाएंगे ये देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस फंदे हो गए दस फंदे दो चार छ आठ दस दस फंदे इधर रखेंगे जो बीच का फंदा उस पर फिर हम तीन फंदे करेंगे एक दो तीन तीन फंदे हो गए अब फिर इन दस फंदों को हम उल्टा उल्टा बोनेंगे तो सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया हमने अब हम उल्टी साइड पे आएंगे उल्टी साइड पे क्या करेंगे सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टी साइड पे हमने कोई फंदे नहीं बनाने फिर एक फंदे से हमने तीन फंदे बनाए थे तो इनको हम उल्टा उल्टा, उल्टा बोन लेंगे अब ये दस फंदे हैं इनको भी हम उल्टा उल्टा बुन के फिर हम सीधी साइड पे आएंगे सीधी साइड पे आ गए फ्रेंड्स पहला फंदा उतार लेंगे अब फिर पहले हमने नौ फंदे बुने फिर दस अब बुनेंगे ग्यारह फंदे ग्यारह हम इस साइड रखेंगे फंदे जो बीच का फंदा है उसको हम एक फंदे से तीन फंदे करेंगे एक दो तीन अब ये ग्यारह फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टा उल्टा बुन के यहाँ तक पूरी रो कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पे आएंगे उल्टी साइड पे हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा, उल्टा बुनना है कोई फंदा नहीं बनाना सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है तो इस तरह से फैंड ये बनाते जाएंगे तो सीधी साइड से हमने क्या करना है पहले हम नौ फंदे बुने फिर दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह इसी तरह से हम एक एक फंदा ज्यादा बुनेंगे और बीच में फिर हम एक फंदे के हम तीन फंदे बनाएंगे क्योंकि दो फंदे बढ़ेंगे एक एक फंदा इस साइड ऐड करेंगे एक फंदा हम इस साइड ऐड करेंगे तो सीधी सिलाई में हम जब भी हम बुनेंगे सीधी सिलाई में हम एक एक फंदा ज्यादा बुनते जाएंगे तो बीच वाले फंदे पे हम एक फंदे से तीन फंदे करेंगे उल्टी सिलाई हमने सारी उल्टी उल्टी बुननी है फ्रंट पर्ल वाइज रो बन रही है एक दो तीन तीसरी पलवाइस रो हमारी चल रही है तो नो पलवाइस और रो बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ फिर मैंने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारहवीं पलवाइस रो हमने सीधी सिलाई कर लिया है अब उल्टी सिलाई में हम वूल चेंज करेंगे सभी फंदों को फ्रेंड्स हम उल्टा, उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टा उल्टा बुन के पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके हम सीधी साइड पे आएंगे फ्रेंड सीधी साइड पे आ गए हैं सीधी साइड पे पहला फंदा उतार लेंगे अब हम टोटल इक्कीस फंदों को उल्टा उल्टा, उल्टा बुनेंगे तो फ्रेंड 21 फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुन लिया अब 21 फंदे इस साइड होंगे बीच के फंदे पे हम तीन फंदे करेंगे जैसे हमने रेड कलर पे एक फंदे से तीन फंदे किए थे वैसे ही ग्रीन कलर से भी करेंगे बाकी के फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टा उल्टा बुन के ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पे आएंगे उल्टी साइड पे हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है पूरी रो कंप्लीट करके हम फिर सीधी साइड पे आएंगे फ्रेंड अब हमने क्या करना है ग्रीन कलर की हमने दो रो बनानी है फिर एक रेड कलर की फिर दो ग्रीन कलर की फिर एक रेड कलर की इस तरह से हम ये रो बनाते जाएंगे हमने ये पलवा हमने ये फंदे तब तक बढ़ाने हैं जब तक कि यहाँ पे हमारे टोटल फंदे फोर्टी नाइन यानि उनचास नहीं हो जाते तब तक हम फंदे बढ़ाएंगे उसके बाद हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर मैंने फोर्टी नाइन फंदों तक तो इसको बना लिया है तो मेरे यहाँ तक फोर्टी नाइन फंदे हो गए थे उसके बाद दो दो पलवा रो ग्रीन कलर की एक रेड कलर की और एक रो मैंने ग्रीन कलर की यहाँ इस यहाँ पे मैंने फंदे नहीं बढ़ाए इनको एजी टी सी बुना है अब एक पलवा रो मैंने ग्रीन कलर की बना ली है अब हम क्या करेंगे पहला फंदा हम उतार लेंगे एक बार फिर हम सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा, उल्टा बुनेंगे उल्टा उल्टा बुन के फ्रेंड्स ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पे आएंगे तो फ्रेंड्स सीधी साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया है अब उल्टी साइड पे आ गए हैं उल्टी साइड पे फ्रेंड्स अब वूल चेंज करेंगे सभी फंदों को हम रेड कलर से बुनेंगे तो सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन के ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके हम सीधी साइड पर आएंगे फ्रेंड्स सीधी साइड पर आ गए हैं फिर अब हम ग्रीन कलर वाली बूल से बुनाई नहीं करेंगे अब हम रेड कलर वाली बूल से ही बुनाई करेंगे ये हमारे फोर्टी नाइन फंदे हैं अब हम अठारह फंदे पहले बुनेंगे पहला फंदा उतार लेंगे ये हो गए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह अठारह फंदे हमने बोल लिए अठारह फंदे हम इस साइड रखेंगे दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह और बीच में कितने फंदे बचेंगे हमारे दो चार छः आठ दस बारह तेरह तो फ्रेंड, छः फंदे इस साइड के छः फंदे इस साइड से और बीच में एक फंदा जो हमारा सेंटर का फंदा है तो इन फंदों को हम छे और छह बारह और बीच का फंदा तेरह फंदे हम ये कम करेंगे एक दो ना ये देखिए फिर दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह अट्ठारह फंधे इस साइड हो गए दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह अठारह फंदे इस साइड हो गए तेरह फंदे हमने बंद कर दिए अब हम क्या करेंगे अब हम दोनों साइड से हमने उल्टा उल्टा ही बुनना है पहले इस साइड को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टी साइड सीधी साइड दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे ये देखिए पूरी रो कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पे आएंगे उल्टी साइड पे आ गए पहला फंदा उतार लेंगे या बुन लेंगे अब सभी फंदों को फ्रेंड्स हम उल्टा उल्टा बुनेंगे हमने ये अठारह फंदे ही उल्ट उल्टे उल्टे बुनने हैं तो अठारह फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन के तो ये रो यहाँ तक कंप्लीट करके हम सीधी साइड पे आएंगे हमने इन्हीं अट्ठारह फंदों को बार बार बुनना है ये फंदे हम बाद में बुनेंगे तो ये देखिए फ्रेंड सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साइड से अगर हम उल्टा उल्टा बुनेंगे तो हमारी यहाँ पे एक पलवाइस रो बनेगी अब फिर सीधी साइड पे आ गए सीधी साइड पे फिर सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टा उल्टा बुन के ये पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पे आएंगे उल्टी साइड पे फिर सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन के पूरी रो कंप्लीट करके हम सीधी साइड पे आएंगे यानी हमने सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साइड से हमने उल्टा उल्टा बुनना है हमने इसकी टोटल चौंतीस सिलाइयाँ करनी है सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साइड को मिला के इसकी चौंतीस सिलाइयाँ करनी है तो हमारी यहाँ पे पल वाइज सतारह रो बनेगी उसके बाद फिर सभी फंदों को हम बंद कर देंगे फिर हम ये फंदे बुनेंगे यहाँ पे भी हमने टोटल सतारह पल वाइज रो बनानी है तो उसके बाद फिर सभी फंदों को बंद कर देंगे इत, दोनों साइड कंप्लीट करके फ्रेंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो फ्रेंड मैंने दोनों साइड सतारह की बजाय अठारह अठारह पल वाइज रो बना कर यानी छत्तीस सिलाइयाँ करके मैंने लास्ट में सभी फंदों को बंद कर दिया है फ्रेंड यहाँ पे आप जो ये मैंने अठारह पल वाइज रो बनाई है आप अपने पैर के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे यहाँ से यहाँ तक देखिए जो चेन है ना यहाँ यहां से हम इस तरह से फंदे उठाएंगे देखिए ये चेन बनी हुई है यहां से हर चेन से हम फंदे उठाएंगे इस तरह इस तरह से हम यहाँ से ये यहाँ तक यहाँ से लेके के यहाँ तक ये सारे हम यहाँ तक फंदे उठाएंगे तो फिर मैंने यहाँ से लेके कर यहाँ तक पैंतालीस फंदे उठा लिए हैं ये हमारा सेंटर का पॉइंट है ये देखिए अब हम क्या करेंगे इस साइड भी हम यहाँ से लेके कर यहाँ तक यहाँ से लेके कर यहाँ तक हम पैंतालीस फंदे उठा लेंगे तो फ्रेंड पैंतालीस फंदों को मैंने इस साइड उठा लिया है अब हम क्या करेंगे हम उल्टी साइड पे हैं पहले हम पैंतालीस फंदे इस साइड के बुनेंगे पहला फंदा उतार लेंगे इस फंदे को हम काउंट करेंगे तो फिर मैंने पैंतालीस फंदों को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए हम सीधी साइड पे आ गए हैं तो ये पैंतालीस फंदे हम नहीं बुनेंगे ये हम बाद में बुनेंगे तो पहले इन पैंतालीस फंदों को हम बुनेंगे उल्टी साइड सीधी साइड दोनों साइड से हमारा सेंटर का पॉइंट है ये देखिए तो तो अब इनी 45 फंदों को हम फ्रेंड्स तो सीधी साइड से भी हम उल्टा उल्टा बुनेंगे उल्टा उल्टा बुनके फ्रेंड्स हम ये पूरी रो यहां तक कंप्लीट करके हम उल्टी साइड पे आएंगे फिर उल्टी साइड पे हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन बुनकर पूरी रो कंप्लीट करके हम फिर सीधी साइड पे आएंगे फिर हमने सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनना है उल्टा उल्टा बुन के फ्रेंड्स हम इसकी टोटल अट्ठारह सिलाइयाँ करेंगे तो हमारी यहाँ पे पल वाइज नौ रो बनेंगी उसके बाद फिर सभी फंदों को बंद कर देंगे फिर हम इस साइड पैंतालीस फंदों को बुनेंगे सीधी साइड उल्टी साइड दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन के इसकी भी हम टोटल अठारह सिलाइयाँ कर लेंगे तो हमारी पल वाइज नौ रो बनेंगी तो उसके बाद फिर हम सभी फंदों को बंद कर देंगे तो ये दोनों साइड कंप्लीट करके फ्रेंड फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो फिर मैंने दोनों साइड को कंप्लीट कर लिया है इस तरह से ये हमारी सॉक्स दिखाई देगी इस सॉक्स की हम सिलाई करेंगे ये हमारी सीधी साइड है इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके हम यहाँ तक सिलाई करेंगे पूरा नहीं सिलेंगे दस सिलाई पहले छोड़ देंगे तो फिर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिलाई कर ली है दस सिलाई पहले छोड़ दिया अब हम क्या करेंगे इसको इस तरह से खोलेंगे इस वाली साइड को यहाँ पे रखेंगे इस तरह से और यहाँ से सिलेंगे तो फिर मैंने यहां से लेके यहाँ तक तो, यहां से लेके तक तो सिलाई कर ली है अब इस को हम सीधा करेंगे इसके साथ ही फ्रेंड बहुत ही सुंदर आसान तरीके से अंगूठे वाली लेडीज सॉक्स बनकर तैयार होगी है तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब के साथ बेल बटन को दबाना मतमूलिय जो मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय